Students, in previous video, we have started lesson number 10 that is air. Until now, we have uh, discussed that pure air is colorless, orderless, and tasteless, and we are not able to see the air, and we only feel when it blows. एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर दैट मीन्स जो एयर है वो किस किस चीज से बनी है सो एयर इज एन इन्विजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेज जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है दैट इज ऑफ नाइट्रोजन आफ्टर दैट ऑक्सीजन एंड देन दर स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेज सो सेवेंटी एट परसेंटेज नाइट्रोजन ट्वेंटी वन परसेंटेज ऑक्सीजन तो ये दोनों ही मिलकर हमारे नाइंटी नाइन परसेंट बना लेती है Uh, remaining 1% that is the water vapors and the other gases and that includes carbon dioxide ozone helium and hydrogen and uh, some other also and we have discussed about the humidity humidity is the amount of water vapor present in the air so a uh, amount of water pre uh, vapors present in the air determines the humidity of air and uh, now we will start the importance of air so uh, we have discussed that air is very important for all the plants and animals why because without oxygen the human beings and the animals does not survive because we need oxygen to live and they all need this oxygen every minute and second of their life. So that means every minute and second uh, jo life ka hai, uske liye oxygen hai. If we will not get the oxygen, we will die. And they take oxygen from the air through the process of breathing. That you all know the breathing and uh, the process hai, in that uh, we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड इज ईटन सो इज़ द फंक्शन ऑफ द ऑक्सीजन दैट वी इनहेल दैट मींस जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हुए लेते हैं उससे क्या होता है वो हमको हमारे जो फूड होता है उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करता है राइट right? सो इट इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट इज ईटन अदरवाइज जो हमारा फूड है उसमें से हमको एनर्जी नहीं मिलेगी सो दिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड सो दिस इज दिन फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी एंड इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइ ऑक्साइड गैट्स फॉर्म विद विच इज ब्रीथ आउट तो जो हम uh,

कोई भी चीज बर्न भी नहीं होगी दैट मीन्स कि कोई भी चीज बर्न होने के लिए जलने के लिए ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड सो टू अंडरस्टैंड दिस देर इज एन एक्टिविटी दैट यू कैन ट्राई एट योर होम एंड दिस एक्टिविटी वट यू हैव टू डू इज टेक टू लाइटेड कैंडल्स राइट आपने टू कैंडल्स लेनी है एंड दोनों को जला लेंगे आप कैंडल्स को राइट right? दोनों कैंडल्स को जब आप जलाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है वन कैंडल के ऊपर आपने ग्लास टम्बलर उल्टा करके रख देना है यू कैन सी हियर इन द पिक्चर वन जो कैंडल है वो जली रहेगी और जो दूसरी कैंडल है वो भी जलेगी पर उसके ऊपर आपने क्या कर लेना है एक ग्लास टम्बलर रख लेना है उल्टा करके रखेंगे तो ये इसके अंदर बंद हो जाएगी विच इज टॉलर होना चाहिए ना वट डू यू ऑब्जर्व अब आप इस एक्टिविटी को करके देखेंगे आपके घर में कैंडल्स अवेलेबल होगी यू कैन डू दिस एक्टिविटी वट यू विल ऑब्जर्व जो कैंडल को आपने कवर किया है वो क्या हो जाएगी जल्दी से बुझ जाएगी द कवर्ड कैंडल सून गेट्स पुट ऑफ बट द अनकवर्ड कैंडल कीप्स ऑन बर्निंग आपने वैसे भी देखा होगा कि कैंडल है वो जलती रहती है जब तक उसको कोई बुझाए ना तब तक वो जलती रहती है पर अगर इसके ऊपर हम ग्लास से कवर कर देंगे इसको उसके अंदर कोई एयर जो है वो क्रॉस नहीं होने देंगे तो क्या होगा आफ्टर सम टाइम जल्दी ही ज्यादा टाइम नहीं थोड़ी एकदम जल्दी ही ये क्या हो जाए, जाएगी कैंडल बुझ जाएगी यू कैन सी हियर दिस कैंडल पुट आउट नाउ व्हाई दिस हैपेंस द क्वेश्चन इज व्हाई दिस कैंडल पुट आउट क्यों बुझ गई ये कैंडल और ये कैंडल क्यों जलती जा रही है इस कैंडल को भी जलते रहना चाहिए था क्यों ये कैंडल बुझ गई सो वट हैपन्स एज वी हैव जस्ट डिस्कस दैट ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग जो ऑक्सीजन है वो बर्न होने के लिए रिक्वायर्ड होती है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो वट विल हैपन जो आग है वो अपने आप भुज जाएगी या जलेगी ही नहीं सो so, जो भी एयर इसके अंदर थी ग्लास के अंदर उसके अंदर जितना ऑक्सीजन था उतनी देर ये जो कैंडल है वो बर्न होती रही राइट right? जितनी देर इसमें अंदर जो गैस थी उसमें जितनी ऑक्सीजन थी वो उसने यूज किया और वो बर्न होती रही एज सुन एज द ऑक्सीजन गेट फिनिश्ड जैसे ही इसमें ऑक्सीजन फिनिश हुई देन द कैंडल गेट्स पुट आउट तो ये कैंडल क्या हो गई बुझ गई जब इसको क्योंकि और एयर नहीं मिल रही है सारी तरफ से ये बंद हो गया है बंद हो गया है तो इसके अंदर एयर नहीं जा रही है जब एयर नहीं जाएगी तो इसके अंदर जो एयर है दैट इज फिक्स्ड और उस फिक्स्ड गैस में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो भी फिक्स्ड है और वो जो फिक्स्ड ऑक्सीजन अमाउंट था वो क्या हो गया यूज हो गया इस कैंडल को बर्न करने में जले रखने में और जैसे ही वो ऑक्सीजन फिनिश हुई ये कैंडल जो है वो अपने आप बुझ जाएगी एंड सो दिस बिकॉज़ द द द द कवर्ड कैंडल अप ऑल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टम्बलर तो सारी ऑक्सीजन उसने, उसने यूज कर ली इट डज नॉट गेट मोर एयर एंड हैंस मोर ऑक्सीजन उसको एयर भी नहीं मिली और और अगर एयर मिलती तो उसमें ऑक्सीजन भी होती बट एयर नहीं मिली तो ऑक्सीजन भी नहीं मिली जिससे कि वो जलती रहती सो इट देर फोर स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर अ वाइल और ये बर्न करना इसने बंद कर दिया सो ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग आपको इसको करने में बहुत मजा आएगा तो डू दिस एक्टिविटी नो प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर एयर टू लिव एंड ग्रो तो ऐसा नहीं है कि ओनली द्ला एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड एयर टू लिव बट प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर एयर टू लिव एंड ग्रो सो ह्यूमन्स एंड एनिमल्स का तो आपको पता ही वे ब्रीथ और ब्रीथ करते हैं हम, हम आप तो इसलिए आपको पता ही है कि हम कैसे ऑक्सीजन इज नेरी फॉर एस अगर हम ब्रीथ करना टू मिनट वन मिनट के लिए भी आप स्टॉप करेंगे तो आपके सांस घुटने लग जाएंगे और आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे और आपको जल्दी से आप ब्रीथ करना पड़ेगा

टू पॉटेड प्लांट्स लिए हमने एंड एड वाटर टू बोथ द प्लांट्स एंड कीप देम इन सनलाइट दोनों में हमने वाटर रखा और सनलाइट में रख दिया नाउ यू कैन सी हियर हियर वन प्लांट इज कवर्ड सो कवर वन ऑफ द प्लांट विद अ थिन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट से आपने इसको क्या करना है कवर कर लेंगे एंड ऑब्जर्व द प्लांट फॉर समेस और इस प्लांट्स को ऑब्जर्व करते रहेंगे कुछ दिनों तक द प्लांट विच इज कैप्ट कवर्ड विथ प्लास्टिक शीट विल श्रिंक जी प्लास्टिक शीट से हमने कवर किया था यू कैन सी हीयर द डिफरेंस इन बोथ ऑफ द पॉट्स और प्लांट्स इसमें जो प्लांट है वो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है right? राइट हेल्दी है प्रॉपर और जो दूसरा प्लांट है जिसको हमने कवर किया था प्लास्टिक शीट से वो क्या हो गया है श्रिंक हो गया है ड्राई हो गया जाएगा और सूख जाएगा और थोड़े दिन में मर जाएगा और जो दूसरा प्लांट है वो हेल्दी है और ये थोड़े दिन में सूख के खत्म हो जाएगा सो दिस एक्टिविटी शोज दैट प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर टू लिव बिकॉज इसके अंदर जितनी भी एयर थी वो तो प्लांट ने यूज कर ली और यूज कर ली तो अब उसके अंदर और एयर नहीं बची सो देन दिस प्लांट विल डाय धीरे धीरे वो सूख जाएगा और फिर वो श्रिंक हो जाएगा सो दिस इज बिकॉज प्लांट्स नीड एयर टू लिव सो इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द मोर अबाउट द एयर दैट हाउ Nature maintains a balance in the of uh, oxygen and carbon dioxide. Thank you.